सलाम नमस्ते सस्रिया काल केम छो तमे मजा मने कशा हाथ तुम्ही मजेत ना। मैं विशाली अबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वंस अगेन संवाद लेखन। तो भाई मैंने जैसे कि लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था कि संवाद लेखन मीन्स व्हाट, संवाद लेखन मीन्स कॉन्वर्सेशन, जो भी हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे कॉन्वर्सेशन कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। वैसे तो कॉन्वर्सेशन हर किसी को आता है, लेकिन शब्द रचना जो होती है ना कॉन्वर्सेशन की, और एक जो टॉपिक होता है वो कॉन्वर्सेशन के लिए कुछ न कुछ टॉपिक तो हमें चाहिए है क्या नहीं। अभी जैसे एक बच्चे का मुझे मैसेज आया है कि संवाद लेखन में शिवाजी महाराज आणि जीजा माता यान मध्ये संवाद। अभी शिवाजी महाराज और जीजा माता जो आपस में बातचीत करेंगे तो वो क्या बातचीत कर सकते हैं? अभी जैसे कि फोर्थ स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा हुआ है पूरी जीवन की कहानी शिवाजी महाराज की, और किस तरह से जीजा माता ने उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी हुई थी, तो ये सारी बातें हम लोगों को पता है। अगर नहीं पता है आप लोग को तो प्लेलिस्ट में जाइए, फोर्थ स्टैंडर्ड का जो शिव छत्रपति है उसमें जो मेरे वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने वो देखना तुम लोगों को, तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, तो शिवाजी महाराज और जीजा माता आपस में क्या बात करते होंगे, क्या बात करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा हार्ड है ये टॉपिक आप लोगों के लिए। ओके, तो मैंने भी लिखते समय बहुत सोच समझ कर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को भी डिफिकल्ट ना हो लिखते समय, ठीक है? हाँ, लेकिन आप लोगों को दो तीन बार ये लिखकर निकालना होगा, तब कहीं जाकर ये आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा, ठीक है? तो संवाद लेखन में एक इमेजिनरी होता है संवाद लेखन। मैं देखती हूँ जरा फ्लैश लाइट ऑन करके दिखता है क्या बराबर से, आई होप ये बराबर से दिख रहा है, थोड़ा एडजस्ट भी करती हूँ, यस, ठीक है? तो अभी शिवाजी महाराज आणि जीजा माता यान मध्ये संवाद। अभी जीजा माता बोल रही है शिवाजी महाराज से, जैसे शिवाजी महाराज को जीजा माता शिवबा कहते थे तो हम लोगों ने भी शिवबा ही लिखा है यहाँ पर। स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी तुम्ही आणि आपल्या शूर मराठ मोळ्या वीरांनी, मराठ मोळ्या की जगह पे आप लोग मावळ्यांनी भी लिख सकते है, ठीक है? तर मावळ्यांनी किंवा मराठ मोळ्या वीरांनी जीवाची पराकाष्ठा केली, मीन्स बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, बहुत लोगों ने अपने प्राण के बलिदान भी दे दिए है, तो ओवरऑल ऑल कंक्लूजन इसमें आ जाएगा। ओके, आणि स्वराज्याचे तोरण बांधले, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी ना शिवाजी महाराज ने, तो उसके लिए मराठी जो मावळे थे उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया हुआ था, तो वो जीजा माता कह रही है कि शिवबा स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी तुम्ही आणि आपल्या शूर मराठमोळ्या वीरांनी किंवा मावळ्यांनी जीवाची पराकाष्ठा केली आणि स्वराज्याचे तोरण बांधले। अभी शिवबा उसे उन्हें जवाब देते है, और तभी वो सब रॉयल फैमिलीज के थे ना, तो कभी वो लोग तू तड़ाक करके बात नहीं करते, आप हम ऐसे ही बात करते है वो लोग, ठीक है? तो शिवबा, होय मां साहेब, यस मां साहेब, मला ही खूप अभिमान वाटतो आपल्या मराठ मोळ्या वीरांचा, मावळ्यांचा भी लिख सकते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड है हमारे ये जो भी मराठी वीर थे उनके सैनिक में जो थे वो, और उसमें मुस्लिम लोग भी थे, नॉन मराठी लोग भी थे, तो वो भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते, ठीक है? त्यांनी जर मला साथ दिली नसती तर स्वराज्य स्थापन करणे अशक्य झाले असते, अगर उन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो स्वराज्य स्थापन करना नामुमकिन था। कोई भी एक इंसान कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, उसके लिए टीम होनी चाहिए, तब कहीं जाकर इतने बड़े दुश्मनों का सामना किया जा सकता है। तो यही शिवाजी महाराज कह रहे कि होय मां साहेब, मला ही खूप अभिमान वाटतो आपल्या मराठ मोळ्या वीरांचा, त्यांनी जर मला साथ दिली नसती तर स्वराज्य स्थापन करणे अशक्य झाले असते। तो क्रेडिट उन्होंने किसको दिया हुआ है, मराठ मोळे मावळे लोगों को दिया हुआ है। जीजा माता, शिवबा तुम्ही खूप हुशारीने परकीय शत्रूंपासून
आपल्या राष्ट्राला सुरक्षित केले होते। अभी माँ साहेब शिवाजी महाराज से कह रहे कि आपने बहुत ही होशियारी से अभी परकीय शत्रु मीन्स व्हाट, जो बाहर के जो दुश्मन लोग थे ना, फॉरेनर्स, तो पुर्तुगीज थे, मुगल थे, ब्रिटिश थे, है ना, और अफगानी भी थे, तो इन लोगों से सबसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था अपने राष्ट्र को। ओके, तो वो इसके लिए माँ साहेब बोल रही है कि शिवा तुम्ही खूप हुशारी ने परकीय शत्रूंपासून आपल्या राष्ट्राला सुरक्षित केले होते। शिवा त्यांचे मनसुबे, यानी उन लोगों का जो इंटेंशन था, मनसुबे मीन्स इंटेंशन, या फिर उनके जो विचार जो थे चांगले नव्हते माँ साहेब, त्यांचे मनसुबे चांगले नव्हते माँ साहेब, उनके इरादे नेक नहीं थे। आपल्या भोळ्या भाबड्या जनतेला आमिष दाखवून, यानी लालच दिखाकर व्यापाराच्या नावाने ते शिरकाव करू पाहत होते। तो बिजनेस के नाम पर वो लोग हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, महाराष्ट्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। शिरकाव मीन्स अंदर आने की कोशिश करना, ठीक है। म्हणून आम्ही आरमार दल सुद्धा उभा केला होता। इसके लिए ना उन्होंने जमीन के रास्ते तो बंद कर ही दिए थे शिवाजी महाराज ने, लेकिन वो लोग क्या करने लगे, समंदर के रास्ते से आने लगे, बोट से। तो इसके लिए उन्होंने आरमार दल मीन्स व्हाट, नेवी, तो उन्होंने वहां पर किले भी खड़े कर दिए और वहां पर सैनिक लोगों को भी खड़ा कर दिया जहाजों के अंदर, कि कोई भी वहां से आता हुआ दिखाई दे तो उन्हें वहां से भगा देना करके, इसको आरमार दल कहते हैं। ये मैं जानबूझ के एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए आप लोग क्या लिख रहे हो करके। अभी जीजा माता कहते हैं, मला तुमचा खूप अभिमान वाटतो शिवबा, तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू शिवबा, अभिमान यानी प्राउड मैं फील करती हूँ आपके लिए। अभी शिवाजी महाराज क्या करते हैं, माँ साहेब आपल्याच आशीर्वादाने हे हिंदवी स्वराज्य स्थापन झाले, आपका ही ब्लेसिंग था जो ये हिंदवी स्वराज्य में स्थापन कर पाया हूँ। आपण वेळीच लहानपणी बाळकडू पाजले त्याचाच हा परिणाम आहे। अभी बाळकडू में ना सारे वर्ड्स आ गए, जैसे के जीजा माता जो थी उन्होंने बचपन से ही उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया हुआ था, क्योंकि उनका एम यही था कि शिवाजी महाराज जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है, और उसी हिसाब से वो जब बचपन से लेके उन्हें कहानियां सुनाती, राम की कहानी सुनाती थी, बहादुरी की कहानी सुनाती थी, कृष्ण की कहानियां सुनाती थी, तो ऐसे वो उन्होंने उन्हें बचपन से ही पूरा ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। और अपने ऊपर अगर कोई भी अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, ये जो भी ट्रेनिंग था, और फिर उन्हें पूरा राज का पूरा ट्रेनिंग उन्होंने दिया हुआ था, सारा एजुकेशन उन्हें उन्होंने दिया हुआ था। तो यही शिवाजी महाराज कह रहे हैं बाळकडू, बाळकडू में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स जो है ना कवर कर दिए, ठीक है, एक ही वर्ड में, तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आप लोगों को वो मेंशन करना है कि आपने हमें कहानियां सुनाई बचपन से ही, राम कृष्ण की बहादुरी की कहानियां हमें सुनाई, आपने हमें सारा ट्रेनिंग दिया तब हम कहीं जाकर महाराज बन पाए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जीजा माता कहते हैं, आई भवानी की कृपा, आई भवानी की उनके ऊपर बहुत कृपा थी आप लोगों को तो पता है, आणि आमचा आशीर्वाद सदैव तुमच्या पाठीशी आहे, हमेशा आपके साथ है हमारी ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये एंड किया हुआ है, और आप लोगों को कुछ और अच्छा कोई टॉपिक याद आ रहा है कि आप लिख सकते हैं इस तरह से, तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। तो आफ्टर ऑल आप लोग है शालिनी हुबली करके स्टूडेंट्स, और शालिनी हुबली करके स्टूडेंट्स लोगों को और टीचर्स जो भी सीख रहे हैं मेरे चैनल में से वो फॉरवर्ड कर रहे हैं मेरे वीडियोस अपने बच्चों को, और पेरेंट्स भी जो है वो मेरे चैनल में से सीख कर बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, सबके मुझे मैसेज आते हैं, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए, इतने अप्रिशिएशन के लिए, ठीक है। तो और भी कोई है प्रॉब्लम आप लोग तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करूंगी, ठीक है। आपके अगर एग्जाम चल रहे हैं तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।